राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमेशा से ऐसा नहीं था, इसे कई दशकों से कई बार बदला जा चुका है। Rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. सबसे पहले साल 1858 के दौरान ब्रिटिश भारत ने एक ध्वज पेश किया था। यह ध्वज दिखने में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश उपनिवेशों के ध्वजों के समान था। इसके बाद 1904 में फिर एक ध्वज सामने आया जिसे स्वामी विवेकानंद की आर्य शिष्या निवेदिता ने डिजाइन किया था। यह ध्वज दिखने में कुछ ऐसा था। अभी तक जो आपने ये ध्वज देखे इनका मोटिव उस समय क्या था पता नहीं, पर इसके बाद से जो ध्वज सामने आए उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, वो था पूरे देश को यूनाइट करना और अंग्रेजों से आजादी पाना। अगस्त 7, 1906 यह वो तारीख है जब भारत के प्रथम ध्वज को पारसी बागान यानी कि ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। इस ध्वज को फहराने के पीछे का उद्देश्य भारत की एकता को दर्शाना था। तब ये ध्वज लाल, पीले और हरे रंग के क्षेत्र पट्टियों से बना था और इस ध्वज की हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल, पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था और लाल पट्टी पर चांद और सूरज बना था। और इस ध्वज को कमल ध्वज, कलकत्ता ध्वज के नाम से भी जाना जाता है और तब इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने फहराया था। इसके बाद 1907 में इस ध्वज में दूसरी बार बदलाव किए गए जो कुछ इस प्रकार से दिखता था। यह ध्वज भी 3 रंगों से बना था और इसमें ऊपर वाली पट्टी पर हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल, बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था और नीचे वाली पट्टी पर सूर और चांद तारा बना था। इस झंडे को सामूहिक रूप से भीकाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा डिजाइन किया गया था और इस ध्वज को पहली बार किसी दूसरे देश जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। इसके बाद तीसरा ध्वज 1917 में सामने आया जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था जो कुछ इस प्रकार से दिखता था। यह ध्वज पिछली वाले ध्वज से बिल्कुल अलग दिखता था और इस ध्वज में 5 लाल और 4 नीली पट्टियां थी। ऊपर साइड कोने में यूनियन जैक भी दर्शाया गया था और इस ध्वज पर 7 तारे, 1 चांद और तारा भी दर्शाया गया था। इसके बाद चौथी बार ध्वज कांग्रेस के सत्र के दौरान विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक फ्लैग डिजाइन किया और वह महात्मा गांधी से भी मिले और उन्होंने उस ध्वज की डिजाइन को भी दिखाया जो कुछ इस प्रकार से दिखता था। इसमें 2 कलर लाल और हरा दो अलग अलग समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। लाल हिंदू समुदाय को रिप्रेजेंट करता है और हरा मुस्लिम समुदाय को। देश की प्रगति को दर्शाने के लिए इसमें चरखा को भी दर्शाया गया था, परंतु यह ध्वज गांधी जी को पसंद नहीं आया क्योंकि उनका मानना था कि यह ध्वज सिर्फ 2 समुदाय को दर्शाता है, शेष समुदाय जैसे सिख, जैन, ईसाई को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी जोड़ी जाए और तब जाके देश के ध्वज ने ऐसा रूप लिया। कहा जाता है कि इस ध्वज को डिजाइन करने के लिए पिंगली वेंकैया ने 30 से ज्यादा देशों के ध्वज को समझा था। पांचवी बार देश के ध्वज में 1931 में बदलाव किए गए जो दिखने में ऐसा था। यह ध्वज पिछली बार के जैसा ही था, बस इसके एक पट्टी को केसरिया रंग के साथ बदल दिया गया था। इसके बाद 22 जुलाई 1947 यानी की आजादी से 22 दिन पहले हमारे इस ध्वज को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। स्वतंत्रता मिलने के बाद इस तिरंगे के रंगों का महत्व वही बना रहा, बस इस चरखे को धर्म चक्र के साथ रिप्लेस कर दिया गया और तब जाके हमारा तिरंगा ऐसा बना जो हमारे देश का आन मान और शान है। हमारा तिरंगा 3 रंग, केसरिया, सफेद, हरा और नीले रंग के अशोक चक्र से बना है, जिसमें केसरिया देश की ताकत, साहस और बलिदान को रिप्रेजेंट करता है, सफेद शांति, सच्चाई को और हरा रंग भूमि की उर्वरता, हरियाली और संपन्नता को दर्शाता है। तिरंगे के धर्म चक्र को सारनाथ के शेर स्तंभ से लिया गया है और इसका व्यास तिरंगे की सफेद पट्टी के बराबर होता है। इस चक्र की 24 तेलियां व्यक्ति के उन 24 गुणों को रिप्रेजेंट करती हैं जिससे देश की उन्नत हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे ऐसे और वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।